हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स लर्न विथ मी। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि हम बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। जब अपने ढाई तीन साल के बच्चे को लिखना सिखाना है तो किस तरीके से उसकी शुरुआत करें। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं कि जब उन्हें बच्चे को लिखाना होता है तो वो क्या करते हैं, या तो कॉपी दे देंगे डायरेक्ट, और या फिर मार्केट में जो ट्रेसिंग वाली बुक आती है वो ला करके दे देते हैं और डायरेक्ट लेटर्स लिखाना शुरू कर देते हैं। डॉट करके दे देंगे, ट्रेस करने के लिए दे देंगे। तो ये एक गलत तरीका है, आपको इस तरीके से बच्चे को नहीं सिखाना है। इससे बच्चा जल्दी सीख नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा उसको दिक्कतें आएंगी। तो सही मेथड क्या है बच्चों को सिखाने का? सबसे पहले तो आप बच्चे को अलग अलग सरफेस दीजिए, लाइक इस तरीके से प्लेन पेपर दीजिए, स्लेट दीजिए, वाइट बोर्ड दीजिए, चॉक दीजिए, क्रियॉन्स दीजिए। बच्चे को स्क्रबलिंग करने दीजिए इस तरीके से, क्योंकि बच्चा अभी लिखना बिल्कुल भी नहीं जानता। वो शुरू में आप उसको दोगे पेपर, चॉक, स्लेट, तो उस पर वो स्क्रबलिंग करेगा। आप उसको करने दीजिए, इससे क्या होगा, बच्चे के फिंगर्स मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, बच्चा पेंसिल को होल्ड करना सीखेगा। क्योंकि अगर पेंसिल ही नहीं पकड़ पाया तो वो लिखेगा कैसे? शुरू में बच्चे देखिए आप पेंसिल ऐसे, कहीं बहुत ऊपर, अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं। उन्हें बिल्कुल प्रॉपर ये तरीका नहीं पता होता कि कैसे पकड़नी है, इतनी अच्छी उनकी ग्रिप नहीं होती है। तो पहले आपको उनके पेंसिल ग्रिप पे वर्क करना है, उनके फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने में हेल्प करनी है, उनको कुछ एक्टिविटीज़ करानी है जिससे उनके फाइन मोटर स्किल डेवलप हों। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराने से बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। तो आपको पहले चॉक, स्लेट या वाइट बोर्ड, प्लेन पेपर, क्रियॉन्स, कलर्स, ये चीज़ें बच्चे को देनी है और उस पे बच्चे को लिखने देना है, जैसा भी उसका मन करे, जो मन करे उस पे करता रहे। इसके बाद आप क्या करोगे, बच्चों को पैटर्न सिखाएंगे। डायरेक्ट हम लेटर इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे क्योंकि बच्चा अभी नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उस फॉर्मेट को ही नहीं समझ पाएगा। भाई ए बनाना है, कैसे बनाए, उसको क्या पता कैसे बनाए। अगर आप ट्रेस करने को भी दोगे तो भी वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, और सारे सब नहीं कर, मान लीजिए ईजी है तो कर लिया, टफ वाले फिर नहीं जान पाएगा। इसलिए आपको उसको सिस्टमेटिक वे में बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्कूलों में क्या कराते हैं, पैटर्न सिखाते हैं। इसलिए तो ये है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन एंड कर्व। इन पैटर्न से ही सभी लेटर्स फॉर्मेट होते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों, हिंदी के हों या फिर नंबर्स हों। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें ए बनाना है तो ये स्लांट लाइन, ये दूसरा स्लांट लाइन, स्लीपिंग लाइन, ए फॉर्मेट हो गया। अ बनाना है हिंदी का अक्षर तो कर्व, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। इसी तरीके से नंबर बनाना है तो वन टू, देखिए कर्व, स्लीपिंग लाइन और वन तो है ही स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से पहले हमें पैटर्न्स की प्रैक्टिस करानी होगी बच्चों को, इसके बाद हम उसे लेटर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो जब आप पैटर्न्स की प्रैक्टिस करा लो, इसके लिए भी वर्कशीट मैंने दी हुई है पिछले वीडियो में मेरे, तो आप पहले पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवा लीजिए, प्लेन पेपर पे कराइए, कॉपी पर अभी आपको नहीं कराना है। इसके बाद जब बच्चा आपका पैटर्न बनाना सीख जाए, उसकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप उसको कॉपी दे सकते हैं। और कॉपी आपको अभी हिंदी के लिए ऐसी, या मैथ के लिए ये जो ऐसे बॉक्स वाली आती है, छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं, या फिर इंग्लिश के लिए वो फोर लाइन वाली कॉपियाँ, वो आपको अभी नहीं देनी है। क्योंकि बच्चा जब शुरू में लिखना शुरू करता है तो वो बड़ा ही लिखता है, छोटा छोटा नहीं। आप सोचो कि ऐसे लिखने लगेगा बच्चा तो वो नहीं लिख पाएगा इतना छोटा, अभी वो उसके हाथ से इतना कंट्रोल नहीं होता है पेंसिल, वो बड़ा ही खींचेगा। तो आपको क्या करना है, या तो आप इस तरीके से प्लेन रजिस्टर दे दीजिए बच्चे को, उस पे करने के लिए दीजिए, या फिर बड़े बड़े बॉक्स वाली एक कॉपी आती है उस पर करने को दीजिए, जिसमें थोड़े बड़े बड़े से बॉक्स बने होते हैं। छोटे वाले, छोटी जो मैथ की कॉपी आती है उसके लगभग 10 बॉक्स बराबर उसका एक बॉक्स होता है, जो बड़े बॉक्स वाली कॉपी आती है। तो आप बड़े बॉक्स वाली कॉपी में बच्चे को कराएंगे,
फिर बात करते हैं कि बच्चे को किस चीज़ से लिखने को दें। हमने जो पैटर्न्स की प्रैक्टिस कराई थी उसके लिए हमने इस तरह के स्केच पेन, मार्कर या फिर जंबो कलर यूज़ किए थे। अब हम जब बच्चे को प्रैक्टिस कॉपी पे करा रहे हैं तो आप पेन बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि पेन का पॉइंट बहुत पतला होता है, वो बच्चे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। बच्चा उसको अगर बहुत प्रेस करके लिखेगा तो आपकी कॉपी फट जाएगी, वो नहीं कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा पेन को। तो आपको अभी पेन नहीं देना है, आपको पेंसिल देनी है। और पेंसिल कैसे, फुल साइज़ की मत दीजिए, बहुत बड़ी हो जाएगी, बच्चा इसको कंट्रोल, उनके छोटे छोटे से हैंड होते हैं, वो इधर उधर गिरेंगे। तो आप क्या कीजिए, एक फुल साइज़ की पेंसिल को बीच से कट कर लीजिए, बहुत छोटा ना हो बहुत बड़ा ना हो, बच्चा पकड़े तो उसके इस हैंड के यहाँ ऊपर आए और यहाँ तक जाए, नीचे उसकी ग्रिप आए अच्छी। तो आप इस तरीके से पेंसिल देंगे। फिर आपको क्या करना है, कॉपी पर पहले पैटर्न की प्रैक्टिस, क्योंकि हमने उसे फ्री हैंड राइटिंग बताई थी प्लेन पेपर पर, बहुत लंबे लंबे खींच रहा था। अब हम उसे जब कॉपी पे लाएंगे तो पहले हम इन्हीं पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले बच्चे को इस तरीके से डॉट लगा करके दीजिए कॉपी पर ऐसे, और इस पर ट्रेस करने के लिए बोलिए स्टैंडिंग लाइन की और ऐसे स्लीपिंग लाइन की, स्लांट लाइन की एंड कर्व। तो आप पहले कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस करवाइए। पहले हम इस तरीके से देंगे बच्चे को डॉट डॉट करके, जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले बच्चा, फिर आप सिर्फ टू पॉइंट दीजिए, वन स्टार्ट पॉइंट एंड वन एंड पॉइंट, और बच्चे को यहाँ पर इसको मिलाने के लिए कहिए ऐसे। बच्चा जब ये कर ले, उसकी प्रैक्टिस हो जाए इस तरीके से, फिर आप बच्चे को लेटर इंट्रोड्यूस कराइए, हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी आपको कराना है। तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, छोटा नहीं पहले बड़ा करेंगे, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा करते जाएंगे। पहले समय बच्चे को ए लिखाना है तो आप जो है बच्चे को इस तरीके से दीजिए छोटे छोटे डॉट लगा करके, पहले बड़ा, और फिर जब बड़े पे प्रैक्टिस हो जाए बच्चे की तो धीरे धीरे उसकी साइज़ को, फॉन्ट साइज़ को छोटा करते जाइए। इस तरह लिखिए, फिर जब बच्चा इस तरह प्रैक्टिस कर ले आप उसको सिर्फ थ्री पॉइंट दीजिए ऐसे, ये मिलाने के लिए बोलिए, बच्चा इस आराम से मिला लेगा जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखाओगे तो बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, उसको नहीं पता किधर से शुरू करना है किधर से ख़त्म करना है। आपको उसे पूरा फॉर्मेट समझाना है, किस फॉर्मेट से लिखा गया है। जैसे आपको अ ही सिखाना है तो आप अगर डायरेक्ट अ दे दोगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कहाँ से शुरू करे, हो सकता है पहले वो डंडी बना दे उसकी और फिर इस तरीके से बनाए। तो आपको अगर आप फॉर्मेट सिखाए रहोगे तो उसे पता रहेगा, हाँ पहले कर्व बनाना है, फिर दूसरा कर्व, फिर ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, तो वो ईजली कर लेगा इस चीज़ को। सो इस तरीके से आप बच्चे को सिखाइए, बड़े पैटर्न, फिर धीरे धीरे फॉन्ट को छोटा करना है, पहले डॉट लगाने हैं और बाद में सिंगल सिंगल डॉट लगा के देना है और बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। सो एक बार पूरा रिपीट करती हूँ मैं, बच्चे को सबसे पहले स्लेट, चॉक, प्लेन पेपर, क्रियॉन्स, ये चीज़ें देनी है, अलग सरफेस पे कराना है। इसके बाद बच्चे को, बच्चे के फाइन मोटर स्किल पे आपको वर्क करना है, उसे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करानी है। फिर आपको प्लेन रफ पे या फिर बॉक्स वाले रफ पे कराना है, उसको पैटर्न्स की प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद आपको उसे लेटर इंट्रोड्यूस कराना है। अगर आप इस मेथड से बच्चों को लिखना सिखाएंगे तो आप देखिएगा बच्चे बहुत इजी वे में बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। और बच्चा जितना भी टाइम ले उसको लेने दीजिए उसका टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, डोंट मेक अ रश। अपने टाइम पे बच्चे सीख जाते हैं, बस आप उनको उनके साथ में कराते रहिए। जैसे आप यही जब शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने डॉट डॉट लगा के दे दिया और बोल दिया जाओ बच्चे करके लाओ, नहीं वो नहीं कर पाएगा, उसको नहीं समझ आएगा। आपको लगे रहना होगा उसके साथ में, हर एक पॉइंट पे उसको बताते रहना होगा। पेंसिल भी बच्चा एकदम पकड़ेगा तो जरूरी नहीं बिल्कुल एकदम अच्छे से ऐसे पकड़ने लग जाए, बीच बीच में छोड़ देते हैं बच्चे अपने मन का, फिर इधर उधर पकड़ते हैं। तो उनको आपको बताते रहना है बीच बीच में कि ऐसे लिखो ऐसे पकड़ो, उन्हें आप पूरा हर समय गाइड करते रहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए,
ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। गंदा हो जाएगा ना आपका, ये वाला करो। हाँ वेरी गुड। अब